हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। दिस इज रेनु मेहरा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस का पाठ 8 पंच परमेश्वर पढ़ने वाले हैं। इसके लिए आप अपनी पुस्तक नवरस का पृष्ठ संख्या 51 खोलेंगे, वहाँ है पाठ 8 पंच परमेश्वर। तो बच्चों, गाँवों में झगड़ों और विवादों का निपटारा करने के लिए अदालत या कचहरी नहीं होती, वहाँ पर उसका निपटारा पंचायत करती है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पंच अर्थात पांच, तो पंचायत में पांच लोग होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है और उनके मुखिया को सरपंच कहते हैं। पंच को परमेश्वर की तरह माना जाता है, अर्थात ईश्वर की तरह। जिस प्रकार ईश्वर सभी मनुष्यों को समान समझ करके और सभी के लिए सही न्याय और निर्णय देते हैं, उसी प्रकार पंच और सरपंच को भी अपने सभी भावनाओं को एक तरफ रखकर दोस्ती और दुश्मनी को भूलकर न्याय देना होता है, जिससे कि वो सही निर्णय ले सके। तो इस पाठ के द्वारा हम ये जानने वाले हैं कि किस तरह जब एक मनुष्य सरपंच के पद पर बैठता है तो वो अपनी दोस्ती और दुश्मनी सभी को भूल कर न्याय करता है। पाठ 8 पंच परमेश्वर। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, मनुष्य को हमेशा न्याय का ही साथ देना चाहिए। उसे किसी भी दबाव में आकर न्याय के पद से नहीं हटना चाहिए। प्रस्तुत कहानी में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी ने मित्रता तथा शत्रुता की परवाह न करते हुए न्याय का ही साथ दिया। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। गाढ़ी अर्थात गहरी, मित्रता दोस्ती, यहाँ मित्रता को रेखांकित करेंगे। उनकी साझे में खेती होती थी। साझे में अर्थात वो एक साथ खेती करते थे और आधा आधा हिस्सा रखते थे। दोनों को एक दूसरे पर अटल विश्वास था, दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते थे। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप कर गए थे। अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ जाते थे। तो इस प्रकार उन दोनों के बीच में बहुत विश्वास था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। क्या थी? एक बूढ़ी मौसी। उसके पास थोड़ी सी मिल्कियत थी। यहाँ मिल्कियत को रेखांकित करेंगे। मिल्कियत अर्थात जायदाद, रुपया पैसा कुछ था उसके पास थोड़ा बहुत, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था, अर्थात उसका कोई सगा संबंधी नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। तो जुम्मन ने अपनी मौसी से लंबे चौड़े वादे किए और वो सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। जब तक संपत्ति की रजिस्ट्री न हुई थी, यहाँ रजिस्ट्री को रेखांकित करेंगे, अर्थात जब तक उस पर कानूनी कार्रवाई होकर वो सारी जायदाद उसके नाम नहीं हुई, तब तक मौसी का खूब आदर सत्कार किया गया। तो जब तक जायदाद उसके नाम नहीं हुई थी, जब तो बहुत मान सम्मान मिला मौसी को, पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। तो जैसे ही रजिस्ट्री जुम्मन शेख के नाम हुई, वो सारा मान सम्मान, सारी खातिरदारियाँ रुक गईं। अब बेचारी मौसी को नित्य अर्थात रोज़ ही कड़वी बातें सुननी पड़ती और अपमान सहन करना पड़ता था। अब रोज़ उन्हें कुछ न कुछ कड़वी बातें सुननी पड़ती थी, रोज़ उनका अपमान होता था। कुछ दिन तक मौसी ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की और अलग रहने के लिए गुजारे की मांग की। तो जब उनसे सहा नहीं गया तो उन्होंने जुम्मन शेख को बोला कि अब वो अलग रहना चाहती हैं और गुजारा उन्हें दिया जाए। यहाँ गुजारे को रेखांकित करेंगे। गुजारा अर्थात खर्चा निर्वाह करने के लिए उन्होंने खर्चा मांगा। जुम्मन ने उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं, अर्थात उसने कहा क्या रुपए यहाँ पेड़ पर उगते हैं। मौसी ने नम्रता से पूछा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं। तो उसने कहा कि मुझे जीने के लिए कुछ खाना पीना भी तो चाहिए, चाहे कैसा भी मिले। जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई ये थोड़ी ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो।
अर्थात कि जुम्मन को ये लगा था कि बूढ़ी मौसी है तो जायदाद अपने नाम करवा लूँ और कुछ ही दिनों में मौसी मर जाएगी, पर उसे क्या पता था कि मौसी मरी ही नहीं है। मौसी बिगड़ गई और उसने मामला पंचायत में पेश करने की धमकी दी। कहाँ पेश करने की धमकी दी? पंचायत में। जुम्मन हंसकर बोले, हाँ ज़रूर पंचायत करा लो, फैसला हो जाए, मुझे भी ये दिन रात की खटपट पसंद नहीं। तो उसने भी कह दिया कि पंचायत करा लो, फैसला करवा लो, उसे भी दिन रात जो है झगड़ा पसंद नहीं है। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था। संदेह को रेखांकित करेंगे बच्चों, संदेह अर्थात उसे बिल्कुल शक नहीं था कि जब पंचायत होगी तो फैसला किसके पक्ष में जाएगा। सभी गांव वाले उसका एहसान मानते थे, ऐसा कोई न था जो उसे अपना शत्रु बनाने का साहस कर सके। तो गांव में सभी उसे मानते थे, कोई भी उसे अपना शत्रु नहीं बनाना चाहता था। संध्या समय अर्थात शाम को एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। कहाँ बैठी? एक पेड़ के नीचे। जुम्मन शेख ने पहले ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी मौसी ने उनसे विनती की। अब बूढ़ी मौसी ने अपनी सारी कहानी जो है पंचों को बताई। पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी। इसे आप लोग जानते ही होंगे, जुम्मन ने मुझे जीवन भर रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। अर्थात वो मुझे जीवन भर रोटी और कपड़ा देगा, ये उसने माना था। साल भर तो मैंने रो धोकर काटा, पर अब दिन रात का रोना नहीं सहा जाता। अब न पेट को रोटी मिलती है न तन को कपड़ा। अब उसका कहना क्या है कि अब उसके पास न तो खाने के लिए रोटी होती है न पहनने के लिए कपड़े होते हैं। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी पर चलूंगी, अर्थात जो पंच उसको फैसला सुनाएंगे वो उसी को मानेगी। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊंगी, अर्थात जो हुक्म जो फैसला वो सुनाएंगे उसी को वो मानकर चलेगी। सरपंच किसे बनाया जाए इस बात को लेकर जुम्मन शेख और मौसी में कुछ कहा सुनी हो गई। अब सरपंच किसे बनाए इस बात में भी उन दोनों में थोड़ी सी नोकझोंक, थोड़ी सी कहा सुनी हो गई। मौसी बोली, खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं और न दुश्मन। तो क्या कहा मौसी ने कि पंच जो होते हैं वो किसी के भी दोस्त और दुश्मन नहीं होते, उनके लिए सभी समान हैं। और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानते हो, मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। क्योंकि अलगू चौधरी जुम्मन शेख के दोस्त हैं तो मौसी ने कहा कि मैं अलगू चौधरी को ही सरपंच बना लेती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे। अब जुम्मन शेख जो है बहुत खुश हो गए, क्यों? क्योंकि अलगू चौधरी अगर सरपंच बनेगा तो वो उनका मित्र है, तो वो उनका ही साथ देगा। परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन मिश्र वैसे अलगू। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है, अर्थात जुम्मन अब पूरी तरीके से जान चुका था कि अब फैसला जो है उसी के पक्ष में होने वाला है। पर जब अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की, अर्थात बहस करना शुरू किया, जुम्मन से अलगू ने पूछताछ करनी शुरू की, तो एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ने लगा। अर्थात जैसे ही उसने पूछताछ करनी शुरू की उसे लगा जैसे तो वो उसे हथौड़े से मार रहा है। जुम्मन चकित थे अर्थात हैरान थे कि अलगू को क्या हो गया है, अभी यह मेरे साथ बैठा कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में कैसी कायापलट हो गई कि मेरी जड़ें खोदने पर तुला है। तो जुम्मन ने सोचा और हैरान भी रहा कि अभी तो साथ में बैठकर मेरे पक्ष में बात कर रहा था और अब ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बदल गया और वो मेरी जड़ें खोदने पर लग गया है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी? अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया है कि मौसी को माहवार खर्च दिया जाए। तो जुम्मन ने फैसला क्या सुनाया कि
कि सभी ने ये निर्णय लिया कि जुम्मन को जो है मौसी को माहवार अर्थात महीने का खर्च देना पड़ेगा। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर नहीं तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाएगी। तो अगर जुम्मन पंचों का फैसला नहीं मानता है तो फिर जो रजिस्ट्री है उसे रद्द कर दिया जाएगा। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी, अर्थात उन दोनों की दोस्ती को खत्म कर दिया। अब वो दोनों दोस्त नहीं रहे। वे मिलते जुलते थे लेकिन वैसे ही जैसे तलवार से ढाल मिलती है, अर्थात वो दोनों एक दूसरे से दुश्मन की तरह मिलते थे। अब पहले जितना प्यार और पहले जितनी मित्रता नहीं रही थी। जुम्मन के चित्त में अर्थात मन में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी, अर्थात जो उसके दोस्त ने उसके साथ किया वो पूरे टाइम उसी के बारे में सोचता रहता था। अब वह यही सोचता कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले, अर्थात अब उसने क्या सोचा कि किसी भी तरीके से उसे बदला लेने का अवसर मिल जाए। ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर से दो बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी लाए थे। क्या लाए थे? दो बैलों की जोड़ी। देव योग से अर्थात भाग्य से, यहाँ देव योग को रेखांकित करेंगे, जुम्मन की पंचायत के एक महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। तो जुम्मन की पंचायत के एक महीने बाद क्या हुआ? उस जोड़ी का एक बैल जो था वो मर गया। अब अकेला बैल किसी काम का नहीं, क्योंकि खेती करने के लिए भी दो बैलों की आवश्यकता होती है। अब अगर एक बैल मर गया है तो अब उस एक बैल का तो कोई काम है ही नहीं। निदान अर्थात हल, यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए, कि अब उस एक बैल को जो है वो बेच देना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे, वह इक्का हाँकते थे। इक्का हाँकना अर्थात जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते थे। गांव के गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते। क्या करते थे वो? जानवरों पर गांव से गुड़ और घी लेते, उनको लादते और उनको मंडी तक ले जाते। फिर मंडी से तेल नमक भर कर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया, अर्थात उनको वो बैल जो है वो पसंद आ गया। उन्होंने सोचा कि वह बैल हाथ लगे तो दिन भर बेखटके अर्थात बिना किसी रोक टोक के तीन खेप हों, खेप अर्थात चक्कर। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर ये बैल मिल गया तो बिना किसी रोक टोक के एक दिन में तीन चक्कर तो वो मंडी के लगा ही लेंगे। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़ रहे हैं, अर्थात आजकल तो एक भी चक्कर नहीं लग पा रहा है। बैल देखा, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध लिया, अर्थात बैल को देखा, भाव किया उसका और उसे द्वार दरवाजे पर ला करके बांध दिया। एक महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा, अर्थात उन्होंने क्या किया कि पैसे नहीं दिए और क्या कहा कि एक महीने बाद वो जो है उसके पैसे दे देंगे। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह न की। अब क्या हुआ, क्योंकि अब उसके पास भी एक बैल किसी काम का था ही नहीं, उसे बेचना ही था, इसलिए उसने घाटे का सौदा किया और कम पैसों में ही वो बैल बेच दिया। समझू साहू ने नया बैल देखा पाया तो लगा रगेदने अर्थात कठोर परिश्रम कराने लगा उससे। वह दिन में तीन तीन चार चार खेप करने लगा, अर्थात एक दिन में उस बैल से तीन तीन चार चार बार चक्कर कटवाता। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। बस वो दिन भर उससे क्या करता था, काम ही करवाया था। बस ना तो उसको चारा देता ना उसे पानी देता। मंडी ले गए, वहाँ कुछ रूखा सूखा सामने डाल दिया। मंडी ले जाता, वहाँ कुछ भी रूखा सूखा मिल जाता वो उसके सामने डाल देता। बेचारा जानवर अभी दम भी न ले पाया था कि फिर जोत दिया। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचते थोड़ा बहुत उसे खिलाया और वो बेचारा आराम भी नहीं कर पाता था और उसके ऊपर दुबाना से बोझा लादा और फिर ले गए। अलगू चौधरी के घर तो चैन की बंसी बजती थी, तो जब बैल अलगू चौधरी के घर पे था वहाँ तो वो सुखपूर्वक जिया करता था। चैन की बंसी अर्थात सुखपूर्वक रहना। वहाँ वह सुख चैन कहाँ यह आठों पहर की खपत,
अब वहाँ तो वो बहुत अच्छे से सुख चैन से जीता, अब यहाँ तो दिन भर उसे सिर्फ बोझा ही लादना होता था। महीने भर में वह पिस्सा गया, अर्थात एक महीने में तो वो बिल्कुल परेशान हो गया था। एक दिन चौथी खेप में साहू ने दूना बोझ लादा। एक दिन क्या हुआ, जब वो चौथी खेप अर्थात चौथी चक्कर जब उसने लगाया तो वहाँ पर उसने दूना दुगुना जो है बोझ उस पर लाद दिया। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे, वो पूरी तरीके से थक चुका था इसलिए अपने पैर भी न उठा पाया। पर साहू को जल्दी पहुँचने की फिक्र थी, इसीलिए उन्होंने निर्दयता से कई कोड़े फटकारे। उसे जल्दी पहुँचना था इसलिए उसने उस बैल को मारा। बैल धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। तो क्या हुआ कि वो बिल्कुल थक चुका था, बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था और जैसे ही उस पर कई सारा बोझा लादा तो वो नीचे गिर पड़ा और फिर मर गया। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। कई महीने बीत चुके थे जब अलगू अपने बैल के दाम मांगते, तब साहू और साहूवाइन अर्थात साहू की पत्नी दोनों ही झल्लाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठते। तो जब भी अलगू उनसे पैसे मांगने जाता तो वो उस पर चिल्लाते, चीखते और अंट शंट बकने लगे और बुरा भला उसको कहते। दोनों ने परामर्श किया अर्थात दोनों ने सलाह की कि इस तरह सिर फुटोवल से काम नहीं चलेगा, अर्थात इस तरीके की नोक झोंक और लड़ाई झगड़े से काम नहीं चलने वाला है। पंचायत करा लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। तो उन दोनों ने भी फैसला किया कि अब पंचायत करा लेनी चाहिए। साहू जी राजी हो गए, अलगू ने भी हामी भर दी। पंचायत बैठी तो रामधन मिश्र ने कहा, बोलो चौधरी किसे सरपंच चुनते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। तो अलगू ने समझू साहू पर ही छोड़ दिया कि वही सरपंच चुन ले। समझू साहू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। उन्होंने किसका नाम लिया? जुम्मन शेख का, क्योंकि उन्हें पता था कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दोस्ती अब नहीं रही। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो, क्योंकि अलगू चौधरी को ये यकीन था कि अब जब दोस्त नहीं रहे तो जुम्मन शेख जो है उनके पक्ष में फैसला नहीं लेगा। किसी ने पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं? यहाँ उज्र को रेखांकित करेंगे, उज्र अर्थात कोई आपत्ति तो नहीं है। चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं मुझे क्या उज्र होगा। सरपंच का मुख्य आसन ग्रहण करते हुए शेख के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। तो जैसे ही जुम्मन शेख सरपंच के आसन पर बैठा, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया। उन्होंने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, अर्थात वो न्याय और धर्म के सबसे ऊंचे आसन पर बैठा है। मेरे मुँह से इस समय जो कुछ भी निकलेगा वह देववाणी के सदृश है। तो यहाँ सदृश को रेखांकित करेंगे अर्थात समान है। तो उन्होंने ये सोचा कि इस वक्त वो जो कुछ भी बोलेंगे वो देववाणी अर्थात देवताओं के मुख से निकले हुए शब्दों के समान होगा। अतः मेरा सत्य से जो भर भी हटना उचित नहीं, अर्थात जरा सा भी अपने सत्य से हिलना उसके लिए सही नहीं है। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब किए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि वह अलगू को बैल का पूरा दाम दें। तो क्या फैसला हुआ कि समझू साहू को बैल का पूरा दाम चुकाना पड़ेगा। जिस समय उन्होंने बैल लिया उस वक्त उसे कोई बीमारी नहीं थी। तो जब समझू साहू ने बैल खरीदा उस वक्त बैल बिल्कुल ठीक था, वो बीमार नहीं था। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया। किस लिए हुई उसकी मृत्यु? क्योंकि उससे कठिन परिश्रम करवाया गया और उसके दाने चारे का कोई प्रबंध नहीं किया गया। सरपंच का फैसला सुनकर अलगू चौधरी फूले न समाए, अर्थात वो बहुत खुश हुए।
और खुशी से उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। तो उन्होंने खड़े होकर के पंच परमेश्वर की जय की। इसके साथ ही चारों ओर ध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। तो यहाँ पर पंच जो है वो किसके समान है, परमेश्वर अर्थात ईश्वर के समान। जुम्मन शेख सरपंच के आसन से उठे और अलगू चौधरी को गले लगा लिया। दोनों ऐसे मिले जैसे बरसों के बिछड़े मिल रहे हों। तो इस प्रकार दोनों में फिर से मित्रता हो गई। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार मनुष्य जो है जब किसी भी उच्च आसन पर बैठता है या जब न्याय करने जाता है तो वो ना दोस्त को देखता है और ना ही दुश्मन को। उसके लिए सभी मनुष्य समान होते हैं। आइए, यहाँ कुछ प्रश्न आपको दे रखे हैं। पाठ के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न एक, अलगू चौधरी के मित्र का क्या नाम था? प्रश्न दो, निदान का अर्थ बताइए। प्रश्न तीन, मौसी ने अपने मामले में किसे सरपंच बनाया? प्रश्न चार, समझू साहू ने बैल के साथ कैसा व्यवहार किया? प्रश्न पाँच, क्या अंत में अलगू और जुम्मन फिर से मित्र बन गए? बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपसे लाइव डाउट क्लास में पूछूंगी, तब आप मुझे इन प्रश्नों के उत्तर बताइएगा। धन्यवाद।